ताली अंगड़ाई है, कभी ताली अंगड़ाई है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। हमारे किसान आंदोलन में एक आशा वर्कर बहन बेहोश हो गई है, और फिर भी ये नकम्मी सरकार इनकी बिल्कुल नहीं सुन रही, बिल्कुल बेहोश हो गई है, बिल्कुल सड़कों पे। ये सरकार इनकी मांगों को पूरी नहीं कर रही, इसलिए आंदोलन में एक और ऐसा बहन जो बिल्कुल बेहोश हो गई है। ये सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही, गर्मी में सड़कों के ऊपर दो महीने से रिश्तेदारी में चेंज है जो आप सभी बता दो, सभी आशा वर्कर 2024 में बीजेपी सरकार को दिखा देंगे आशा वर्कर क्या चीज है, अगर तो हमारी मांग पूरी कर दे। एम्बुलेंस को फोन कर, बेहोश होगी सर। देखो हमारी ये खट्टर सर, ये खट्टर सरकार है, ये बिल्कुल भी नहीं सुन रही हमारी आशा वर्कर बहने रोड के ऊपर बेहोश। आंदोलन के चलते आशा बहने रोड के ऊपर बेहोश हो चुकी हैं, उसके बाद भी ये सरकार कुछ नहीं सुन रही इनकी। आप कुछ कहना चाहते हैं इस सरकार के बारे में? कुछ कहना चाहते हैं? सरकार को कोई वो नहीं है कि हमारी आशा बहने को हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं सुन रहा हमारी। हम क्या चाहते हैं सरकार से? यही तो चाहते हैं कि हमारा फिक्स वेतन कर दिया जाए, हमारी मांगों को मान लिया जाए, लेकिन सरकार को सुन ही नहीं रही है हमारी आशाएं। देखिए बिल्कुल एकदम मैं दिखाना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, ये हमारी आशा वर्कर है। बिल्कुल देखो उधर भी तीन चार बहने गर्मी में चलते चलते दो महीने के संघर्ष से बिल्कुल रोड के ऊपर बेहोश हो चुकी हैं। ये निकम्मी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही, देखिए बिल्कुल बेहोश हो चुकी हैं। देखिए गर्मी के अंदर बिल्कुल रोड के ऊपर हरियाणा सरकार ने हमारी आशा वर्कर बहनों के बारे में सोचना होगा, क्योंकि इनकी वजह से पूरा समाज जो है वो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आशा बहनों की मांगों को मानना होगा। हम हरियाणा सरकार को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं पुलिस का क्या फायदा हुआ करो होने का, जो हमारी सेवा में खड़ी और सेवा नहीं कर सकते, ब्रह्मचारी के लिए आई है क्या पुलिस? वही वाली बात है, फिर हम अपना नारा लगाएंगे सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, लेकिन पुलिस का आगे होने का कोई फायदा नहीं है। पुलिस बेफजूल अपने नाम चारा करने के लिए आई है, या तो पुलिस हमारे चारों तरफ घूम जाए, गाड़ियों पर मोटरों के ना लगने दे। प्लीज प्रशासन, प्लीज प्रशासन, प्लीज प्रशासन, हम पुलिस वालों की घोर निंदा करते हैं कि जुलूस के चलते हमारा पुतला फूटने के बावजूद आशा के टक्कर लगने है गाड़ियों की। यहाँ पे पुलिस वाले की कोई जिम्मेवारी नहीं है। मुर्दाबाद, 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 कट्टर हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, कट्टर हमसे डरता है, ये सरकार बदलनी है। अब हमारे बीच में सीआईटी के सुरेश साहब आए, जो अब हमारे
आप बीच में अपनी बात रखेंगे। बहुत ही सम्मान के योग आशा वर्कर बहने, ये जो हमारा आज पुतला दहन का कार्यक्रम था, जानकारी के बावजूद अगर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल नहीं है तो हम प्रशासन की निंदा करते हैं और साथ ही हरियाणा सरकार से ये कहते हुए कि वो आशाओं को झूठ बोल करके, समझौता करके, लिखित में बातें मान करके तो फिर लागू नहीं कर रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और वो आम जनता अब मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रमों में वो पूछने लगी है कि आप हमारे साथ क्या जनसंवाद करना चाहते हो, जो हमारे लिए हर रोज काम में आती थी वो बहने 66 दिन से 67 दिन से सड़कों पर है। इसलिए ये जो लड़ाई है ये निर्णायक मोड़ पर है और हरियाणा सरकार शायद ये सोच रही है कि आशाएं थक के हार के बैठ जाएंगी। नहीं, ये लड़ाई पहाड़ बंदी की लड़ाई है, ये लड़ाई पूंजीपतियों की और गरीबों के बीच की लड़ाई है। हमें मालूम है कि सरकार के पास हथियार है, सरकार के पास पुलिस है, सरकार के पास घोड़ा है, सरकार के पास बारूद है, लेकिन सरकार के पास एक चीज नहीं है और वो है कि घोड़ा और बारूद चलाने पे आग उगलते हैं, लेकिन मजदूर के पेट से भूख की आग निकलती है। इसलिए सरकारें इस गलत फहमी से बाहर आए कि वो घोड़ा बारूद चला के पेट की आग का मुकाबला करेंगी। दुनिया का इतिहास है, कहीं पर भी जन आंदोलन हुए तो जन आंदोलन जहाँ पर लाल झंडा उनके साथ रहता है तो वो लड़ाई हमेशा मजदूर वर्ग ने जीती है। इसलिए हम केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से ये मांग करते हैं कि अब भी ज्यादा देर नहीं हुई, क्योंकि आपने ही कहा था एक सप्ताह के अंदर हम मुख्यमंत्री से बात कराएंगे। वो अधिकारी जो आपके भेजे हुए थे हमने उनसे वार्ता की, हमने वहाँ पर साबित किया कि हम देश में अमन शांति के प्रहरी हैं, लेकिन जो मौत के सौदागर हैं वो इस बात को नहीं समझते, जिनको आग लगाकर ही कुर्सी हासिल करने का तजुर्बा है वो यहाँ पर भी शरारत करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि CIQ इन शरारतों को कामयाब नहीं होने देगी और आशा वर्कर की लड़ाई को देश की लड़ाई बनाया जाएगा। इस लड़ाई को हम जीतेंगे। और अब मैं आशा वर्कर यूनियन के जिला नेतृत्व से आशा रानी मीरा, आप कृपया इसको पुतले का दहन करें और इसको अग्नि अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, जनता से बात नहीं करते मुर्दाबाद, आशाओं से बात नहीं करते मुर्दाबाद, आशाओं से बात नहीं करते सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, हरियाणा में अमित शाह का दौरा मुर्दाबाद, हरियाणा में अमित शाह का दौरा मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 4000 में दम नहीं, मानदेय में दम नहीं, चाहिए।
काम पक्का नौकरी कच्ची नहीं चलेगी, काम पक्का नौकरी कच्ची नहीं चलेगी, काम पक्का नौकरी कच्ची नहीं चलेगी, काम पक्का नौकरी कच्ची नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, सांप्रदायिक बीजेपी मुर्दाबाद, भाई चारे को तोड़ने वाली ताकतें मुर्दाबाद, भाई को भाई से लड़ाने वाली भाजपा मुर्दाबाद, इतना करो तो देखते हो पुतले को भी भाजपा मुर्दाबाद, झंडे से प्रहार मणिपुर में झांसी दे रही भाजपा मुर्दाबाद, आशा वर्कर का धावन करते मुर्दाबाद, आशाओं से बात नहीं करते मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। न्यूनतम वेतन लागू करो, न्यूनतम वेतन लागू करो, न्यूनतम वेतन लागू करो, न्यूनतम वेतन लागू करो, न्यूनतम वेतन लागू करो। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, कमंडी गृहमंत्री मुर्दाबाद, कमंडी गृहमंत्री मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह का हरियाणा दौरा मुर्दाबाद, अमित शाह का हरियाणा दौरा मुर्दाबाद, मजदूरों से बात नहीं करते मुर्दाबाद, 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिश लागू करो, आशाओं को वर्कर का दर्जा देना होगा, आशाओं को वर्कर का दर्जा देना होगा, आशा वर्कर यूनियन जिंदाबाद, आशा वर्कर यूनियन जिंदाबाद, आशा वर्कर यूनियन जिंदाबाद, सीआईटीयू जिंदाबाद, सीआईटीयू जिंदाबाद, सीआईटीयू जिंदाबाद, सीआईटीयू जिंदाबाद, सीआईटीयू जिंदाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 आशाओं से बात नहीं करते मुर्दाबाद, आशाओं से बात नहीं करते मुर्दाबाद। और मीरा जी भाई सभी साथी यही बैठ जाए, आप जाना नहीं है भी। भाई कोई भी ऐसा वर्कर नहीं जाएगी, कोटा लगा के जाइए। चलते हमारी कई आशा बहने गए उसे, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? इसके बारे में हम यही कहेंगे, सरकार की जिम्मेवारी थी, सरकार की वजह से हुई है, सरकार चाहिए नहीं कि आशाओं का 4,000 से 8,000 या 10,000 या 26,000 कर दिया जाए। अगर सरकार हमारी बात मानते तो नौबती ना सही बात है ना, आज का जो प्रदर्शन हुआ सरकार की कमी के कारण हुआ, सरकार बात मानने से दिक्कत ही ना आए। धन्यवाद। और फिर आके बात तो करे, बीच में आके बात तो करे, ये कौन सा मतलब है? बढ़ाना ना बढ़ाना बाद का काम है, आके कम से कम हमारे बीच में हमें दिलासा तो दे कि भाई आपका होगा, आप ये नहीं ये करो। हमें तीसरा महीना लग रहा है, ये सरकार की जितनी की जाए उतनी निंदा सबसे कम है, और आने वाली 2024 में सरकार ये सोच रही है 22,000 एक का
रोड है, इस 2024 में इस सरकार का पत्ता साफ नहीं किया तो हम आशा वर्कर अपना नाम चेंज कर देंगे। धन्यवाद। असल में हमारे आशा बहने कहना चाहती हैं, अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो 2024 के अंदर इस सरकार को हम बदल देंगी, तत्व ताज बदल देंगे। तो आपने देखा इस चैनल के माध्यम से इस खबर को जन जन तक पहुंचाएं, इसको लाइक करें, आगे सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।